हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या होने वाला है अगले 24 घंटे में, क्या एनर्जी या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि 111 एंड 1111 कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। 17th, 11th to 17th May जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। एंड साथ साथ आज की जो एनर्जीज होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स की, इट्स गोइंग टू बी अबाउट बैलेंस। ठीक है, हर चीज़ कैसे बैलेंस करके चलना है। आप काफ़ी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और हारमोनी में फील करोगे, मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। सो वृषभ राशि वालों के लिए ऑल राइट, 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। वीनस कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्लैनेट लग रहा है आप लोगों के लिए इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। अगर आप अपनी लाइफ में किसी टाइप की लग्जरी, रोमांटिक रिलेशनशिप, स्टेटस, ये सब चीज़ें अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, आप अपना माइंडसेट ऐसा रख रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एफर्मेशंस में, आपकी मैनिफेस्टेशंस में आपका सबसे बड़ा ब्लॉक बन रहा है जो आप बोलते हो। ठीक है, आप जितना ज़्यादा बुरा सोचोगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, जितनी विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे, ओ हो मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा, ओ हो ये नहीं हो रहा, तो उतना ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है वो और लो होती जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होती जाएगी और आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में ब्लॉक्स इन्वाइट करने लग जाओगे। ओके, लेट्स सी मिथुन राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इट इज़ टाइम कि अब आप ट्रुथ को देखो। इट इज़ टाइम कि आपको एक वो अवेकनिंग हो, आपको वो एक रियलाइजेशन हो। अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा या तो आउट ऑफ बोर्डम चीज़ें कर रहे थे या डिसकंटेंटमेंट की वजह से आप अपना कुछ ना कुछ इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, कभी किसी तरीके से एंटरटेनमेंट करना, कभी किसी तरीके से करना, लेकिन अब फाइनली आपको लाइफ हिट होने वाली है। ठीक है, और जब ये चीज़ हिट होगी तो आपको उस चीज़ का ट्रुथ भी देखना है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक शुकअप वाली फीलिंग आ सकती है कि कहीं ना कहीं चीज़ें एकदम से बदल रही हैं या अब टाइम आ चुका है चीज़ों को फाइनली सीरियस लेने का। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा फील हो सकती हैं, बट येस, आपको डेफिनेटली इस ट्रुथ को देखना है। यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, आपको अपनी लाइफ को सीरियसली लेना है। एंड नॉट जस्ट लाइफ, मतलब मुझे लगता है अपनी लाइफ के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके। कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकती है। लेट्स सी हमारी कर्क राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, सो कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि दिस इज़ अ टाइम फॉर योर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी अपनी खुद की लाइफ में, यहाँ पे मैं करियर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपकी खुद की इंडिविजुअल जर्नी की बात कर रही हूँ। आपकी इंडिविजुअल जर्नी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशूज़ चल रहे हैं इस टाइम पे, फिज़िकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, कुछ चीज़ों को ठीक होने में, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उस चीज़ को ठीक होने में शायद से टाइम लगे। अपने पार्टनर के साथ में आप देखोगे कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आपको एज अ पर्सन भी चेंज कर रहे हैं और आपकी रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा चेंज करने वाले आने वाले टाइम में। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं जहाँ पे आपका पेशेंस लेवल भी टेस्ट किया जाएगा, तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है। लेट्स सी लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, तो वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। स्पिरिचुअल यूनियन इज़ ऑन द वे। डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल यूनियन होना ही है, या आपके डिस्टाइंड पार्टनर भी हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर भी हैं। डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं आप लोग डेफिनेटली इस पर्सन से मिलने वाले हो। जो लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं, आई थिंक यू आर डीलिंग विद दैट पर्सन ऑलरेडी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। और जो लोग मैरिड हैं, यू माइट वॉन्ट टू स्टार्ट योर फैमिली विद दिस पर्सन, लाइक एज इन प्लानिंग अ बेबी और ये सब चीज़ें। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं लियो के लिए, तो सिंह राशि वालों के लिए। लेट्स सी हमारी कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है, यानी कि वर्गो के लिए। सो वर्गो के लिए ना अब ये टाइम आ चुका है जहाँ पे आप अपने ऊपर थोड़ा सा रीफोकस करो, अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे, अपने पर्पस पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। बिकॉज आई थिंक आपका बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो आपके दोस्तों से आता है, आपका बहुत ज़्यादा जो टाइम है या
जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपके दोस्तों से होती है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपनी ये इन्फ्लुएंस और अपनी फ्रेंडशिप्स और इन सब अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा आपको डाउन करने की नीड है, जिससे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा अपग्रेड कर सको, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा अप कर सको, बिकॉज आपके लिए सबसे बड़ा ब्लॉक इस टाइम पे आपकी फ्रेंडशिप्स बन रही है, आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में. ओके, लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है, यानी कि तुला राशि वालों के लिए. सो डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती हुई दिख रही है, वो डोर फाइनली खुलता हुआ दिख रहा है. अगर आप पहले चीज़ों को लॉजिकली लेते थे या हर चीज़ बहुत इंटेलेक्चुअली परसीव करते थे, तो यहाँ पे फाइनली अब आप, मुझे लग रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुनने वाले हो, आप अपनी इंट्यूशन के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्ट में होने वाले हो. ओके, एंड दैट इज़ व्हेन, जब आपको वो लाइट दिखेगी यूनिवर्स की साइड से, आपका भगवान के साथ कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है. आप में से काफ़ी लोग अगर भक्ति मार्ग पे हो या किसी और जर्नी पे हो, तो वहाँ पे आपका यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है. आने वाले टाइम में आपको ऐसा फील होगा कि आपकी एक डायरेक्ट टेलीपैथी बन चुकी है भगवान के साथ, तो आप इतना स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो भगवान के साथ. ओके, लेट्स सी वृश्चिक राशि को लेके क्या मैसेज है. ओके, वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि टू नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कुछ नेक्स्ट 24 आवर्स में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मटेरियल चीज़ों से रिलेटेड, कुछ एसेट से रिलेटेड आपको डिसीजंस बनाने पड़ सकते हैं. कुछ ऐसी डील्स हो सकती हैं जहाँ पे आपको डिसीजन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आए. कुछ लोगों को आपकी प्रायोरिटी क्या है उस चीज़ को चूज़ करने में भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. तो ये जो पूरा 24 आवर्स होंगे, इसका जो थीम है वो है ही चॉइस, कि आप किस टाइम पे क्या चॉइस बनाते हो, कितनी समझदारी के साथ बनाते हो, कितनी ना समझ के साथ बनाते हो. ओके, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको डेफिनेटली देखने की नीड है. और मुझे साथ साथ ये भी लग रहा है कि स्पेसिफिकली आपकी मटेरियल चीज़ों को लेके, आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेके, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, कोई बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो है, वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनाने पड़ सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में. लेट्स सी धनु राशि को लेके, यानी कि सैजिटेरियस को लेके क्या मैसेज है. सो आप थोड़ा सा अकेला फील कर सकते हो, आपको काफ़ी फियर्स भी आ रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी अनसर्टेनिटी है, एक इनसिक्योरिटी है, फियर ऑफ फ्यूचर कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, उस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है. एंग्जाइटी हमें कैसे पता चलती है कि एंग्जाइटी है, पेट दर्द होने लग जाएगा, ठीक है, कुछ लोगों को स्वेटिंग होने लग जाती है, कुछ लोगों का बॉडी टेम्परेचर या तो एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है. तो ये कुछ ऐसे साइंस होते हैं हमारी एंग्जाइटी के. तो और एंग्जाइटी हमें तब होती है जब हमें फ्यूचर का स्ट्रेस होता है, हमें फ्यूचर की चिंता होती है. ओके, तो यहाँ पे वो चीज़ होती हुई दिख रही है. थोड़ा सा एंग्शियस फील कर सकते हो कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन आपको सबसे बड़े आपके सेवियर है भगवान, तो अपने क्राउन चक्रा से कनेक्ट करना है. कर सको तो ध्यान करो, मेडिटेट करो, मंदिर में जाओ, बैठो भगवान के साथ, बातें करो, अपनी दिक्कत बताओ, एंड इट विल बी ऑल सॉर्टेड. ओके, लेट्स सी मकर राशि को लेके क्या मैसेज है. ओके, मकर राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप फाइनली एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो क्लियर करते हुए दिख रहे हो. कोई बड़ा चैलेंज या ऑब्स्टिकल है जो आप फाइनली पास करते हुए दिख रहे हो. ये छोटा सा टेस्ट की तरह भी आ सकता है, तो इस टेस्ट को आपको डेफिनेटली पास तो करना ही है. उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आसपास आपके कुछ ऐसे एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए. यूनिवर्स तो आपके साथ है ही, लेकिन कुछ ऐसी हमारी बैटल्स होती हैं जहाँ पर हमें ये देखना होता है, जहाँ यूनिवर्स देखते हैं कि हम इस चीज़ को कितना ज़्यादा चाहते हैं, राइट. तो उस चक्कर में कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, छोटे छोटे टेस्ट आते हैं जो हमें पार करने होते हैं. तो कोई फाइनल टेस्ट आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, और अगर आपने उस टेस्ट को पास कर लिया तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी. लेट्स सी हमारी कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है.
ओके, कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी थोड़ी शैडो साइड बाहर आ सकती है। अब शैडो साइड क्या होती है? हमारी वो साइड जो हम अपने बारे में एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, या हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते और ना हम अपने आप को दिखाना चाहते कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। ठीक है, हमें लगता है कि नहीं नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ, नहीं नहीं ऐसा है वैसा है। तो एक एक्सेप्टेंस लेके आना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी हार्ट ब्रेक को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी दुख को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कोई डिसअपॉइंटमेंट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो जितना सप्रेस करोगे वो एक्चुअली में उतनी ज़्यादा बाहर आएगी किसी ना किसी रीज़न से, किसी ना किसी बहाने से। तो इसलिए अपनी शैडो को एक्सेप्ट करो, अपने दुख के साथ बैठना सीखो। ओके, लेट्स सी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सेक्रल चक्रा का कार्ड आया है एंड पैशन इग्नाइटेड। डेफिनेटली पूरी क्रिएटिविटी के ऊपर ही ये कार्ड आया है, आपकी फायर एनर्जी को लेके ये कार्ड आया है। अपनी फायर एनर्जी को बढ़ाने का टाइम आ चुका है, थोड़ा और एक्शन ओरिएंटेड बनने का टाइम आ चुका है। जितनी क्रिएटिविटी आप करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। एंड नॉट जस्ट क्रिएटिविटी, मुझे ऐसा लगता है जब हमें अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना होता है, हमने अपनी फायर एनर्जी को बैलेंस करना होता है, तो अगर आप कोई घर के काम करते हो वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं। जैसे कुछ लोगों को सफाई करना पसंद है, कुछ लोगों को कुछ करना, खाना बनाना। सो डू समथिंग फॉर योरसेल्फ जहाँ पे आप खुद से अपना कुछ कर रहे हो। खाना बनाना इज़ योर ओन क्रिएटिविटी, राइट? चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।